सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ। मैं हूं आप लोगों के साथ रहुसा सीतापुर प्रेम बाजपी। इस वक्त जो ये तस्वीरें आपको एक विशाल बिल्डिंग और प्लेग्राउंड के रूप में दिखाई दे रही हैं, ये जनपद सीतापुर के ब्लॉक मुख्यालय कस्बा रहुसा अटल चौक तंबोर रोड श्योता के विधायक लोकप्रिय के आवास की तस्वीरें हैं, जहाँ पर एक जानकारी में जो आ रहा है और अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को जानकारी देंगे कि यहाँ पे एक कोई किसी शिविर का आयोजन होने वाला है 19 अगस्त 2022 को। लेकिन यहाँ पर हम इस वक्त पहुँचे हैं और आप लोगों को जानकारी देंगे। यहाँ कार्यालय प्रभारी और इनकी जो जिम्मेदारी दी गई है हर वक्त मिलने की, उनसे बात करते हैं किस शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और कौन कौन से कौन क्या है, पूरी जानकारी लेते हैं और फिर आप लोग इस शिविर का लाभ जरूर उठाएं। बात करते हैं चल के। कार्यालय प्रभारी हैं जहां पर हम पहुंचे हैं श्योता विधायक के, वहां पूरी बात करते हैं, परिचय करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहित सक्सेना है। मोहित सक्सेना जी, आप ये आवास किसका है? ये माननीय विधायक ज्ञान तिवारी जी का आवास है। अच्छा, यहाँ पे जानकारी में आ रहा है कि यहाँ पे किसी शिविर का एक आयोजन होने वाला है विशाल, जो 19 अगस्त को, तो हम उसके विषय में जानकारी लेंगे आपसे कि किस चीज़ का वो शिविर होगा और क्या क्या उसकी व्यवस्थाएं होंगी और क्या उसको पब्लिक को लाभ मिलेगा, पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप दीजिए जिससे कि लोग लाभान्वित हों। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि माननीय विधायक ज्ञान तिवारी जी के प्रयासों से यहाँ पर 19 तारीख को दिन शुक्रवार को सीतापुर आँख अस्पताल की तरफ से एक नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। तो इसमें लोगों को निशुल्क जो है चिकित्सा प्रदान की जाएगी और जिनको कोई गंभीर आंखों में बीमारी है, जैसे सबल बाय है, नाकूरा नासूर, इस टाइप की कोई बीमारी मोतियाबिंद है, तो डॉक्टरों के माध्यम से जानकारी मिली है कि उनको फ्री इलाज दिया जाएगा। गाड़ी उनकी यहाँ पर आएगी कार्यालय पर, उन मरीजों को साथ में लेके जाएगी, एक दिन इलाज करने के बाद उनको तीसरे दिन यहीं पर कार्यालय पर छोड़ा जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रिय क्षेत्रवासियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये जानकारी पहुँचे और जिन लोगों को जरूरत है तो वो सभी लोग 9 बजे प्रातः यहाँ कार्यालय पर 19 तारीख को उपस्थित हो जाएं और समुचित इलाज पाएं। यही विधायक जी की प्रयास है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की किसी को कोई परेशानी ना हो, तो उसी क्रम में ये नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, तो सभी लोग आएं और इसका लाभ प्राप्त करें। जैसा कि मोहित सक्सेना ने जानकारी दी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, और हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे क्योंकि ये पहली बार जो ये सुविधा देखी जा रही है मेरी जानकारी में, जो है जहाँ तक कि श्योता के विधायक के द्वारा इस नेत्र शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा 19 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को, जहाँ पर एक विशाल नेत्र शिविर का आयोजन है। और अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को आग्रह भी करेंगे और मोहित सक्सेना ने भी अपील की है कि अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं और आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और फ्री में इलाज पाएं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और खबर को शेयर जरूर करें ताकि आप देखें और आपके इष्ट मित्रों को भी जानकारी हो सके और उनको लाभ हो सके। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि शेयर और कमेंट करने के लिए लोग कहते हैं लेकिन पर्सनली लाभ होगा, लेकिन नहीं, इसका मतलब ये होता है कि शायद वो हमसे ना जुड़ा हो और आपसे जुड़ा हो, तो आपके माध्यम से उसको अगर जानकारी होगी, शेयर करेंगे तो उसका लाभ पहुँचेगा, तो उसका श्रेय आपको जाएगा। इस वजह से शेयर और कमेंट की बात मैं करता हूँ।